है। बड़ी खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां पर अलीगढ़ के निजी अस्पताल का कारनामा आया सामने। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हुआ वायरल। वीडियो में वेंटिलेटर की मांग कर रही है युवती। भाई और जीजा की मौत के बाद खुला कारनामा। डॉक्टरों के कार्यों की भी युवती ने की सराहना। पीड़िता का आरोप था कि ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग की जा रही थी। दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। बुलंदशहर जनपद के बताए जा रहे हैं वायरल वीडियो। बुलंदशहर से खबर, जहां पर इंसान या उसका परिवार मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा होता है, उस समय वो इस तरीके का बिहेव ना कर। शीतल चौधरी, आप सबसे विनती करती हूँ, अगर किसी की नज़र में कोई वेंटिलेटर बेड खाली हो, प्लीज़ मेरे भैया के लिए, मेरा भाई नवीन हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसको वेंटिलेटर की बहुत ज़रूरत है और वहाँ पे वेंटिलेटर नहीं है। अगर किसी की नज़र में कहीं भी कोई वेंटिलेटर हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे भाई की भी डेथ हो चुकी है और जीजा जी की भी डेथ हो चुकी है। ऐसे समय पे हमें बहुत बहुत अच्छे लोग भी मिले और बहुत बहुत बुरे लोग भी मिले। मेरी उन लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जिस समय कोई इंसान या उसका परिवार मौत और ज़िंदगी के बीच झूल रहा होता है, उस समय वो इस तरीके का बिहेव ना करें जैसा मेरे और मेरे परिवार के साथ बिहेव किया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मैंने जो पहले एक वीडियो डाली थी, उस वीडियो में मैंने वेंटिलेटर की एक गुहार लगाई थी कि मुझे वेंटिलेटर। तो मेरे पास बहुत सारी कॉल, बहुत लोगों ने हेल्प की, वेंटिलेटर भी अवेलेबल हुआ, लेकिन मेरे एक ऐसे नॉन ने मुझे कॉल किया कि आपका वेंटिलेटर मिल जाएगा और आप ना अलीगढ़ में आइए, आपको दो वेंटिलेटर मिल रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अलीगढ़। उन्होंने एक मेरे को लोकेशन बताई कि वहाँ पहुँच के हमें कॉल कर लेना और मैं आपको वहाँ खड़ी मिलूंगी और वहाँ पे आपको हम हॉस्पिटल तक ले जाएंगे। और अब अयोध्या से बड़ी खबर, जहाँ पर